नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान के मूल्यांकन कार्य पत्रक संख्या 5 को। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न एक एक नंबर के हैं, तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। और सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से काला करना है। तो यहाँ प्रश्न एक है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, तो कोशिका भित्ति का पादप कोशिका मुख्य घटक क्या होता है, तो सेलुलोज होता है। तो आंसर सी लगाएंगे हम। और उसके बाद है प्रश्न दो कि फलों और फूलों में रंग लवक किसके लवक मतलब प्लास्टिड द्वारा प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो आंसर बी लगाएंगे दूसरा का। और प्रश्न तीन है कि निम्नलिखित में कौन प्याज की कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन कपूल कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो कोशिका भित्ति प्याज की कोशिका में उपस्थित होती है और ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। और प्रश्न चार है कि यदि हम लाल रक्त कोशिकाओं को निम्नलिखित विलयन में रख दें तो किस विलयन में कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा, तो ये अल्प पराश्रण दाबी होगा, तो इसका आंसर बी होगा। और उसके बाद प्रश्न है पाँच, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक कौन एक कोशिका का उदाहरण है लेकिन एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता, तो श्वेत रक्त कोशिका एक कोशिका का उदाहरण है लेकिन जीव की तरह कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और फिर प्रश्न छः है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है, तो प्रोटीन संश्लेषण चिकनी इंटरकैलम रेटिकुलम नहीं बनाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और फिर प्रश्न सात है कि एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो आप जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, तो सातवां का आंसर बी होगा। और उसके बाद है प्रश्न आठ, प्रश्न आठ है कि निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब है अभिकरण और कथन वाला, तो यहाँ है प्रश्न नौ कि विषाणु वायरस एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो यह गलत है और विषाणु केवल अपने होस्ट मेजमान में जीवित होता है, विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक कोशिका जीव है, तो ये सही है, मतलब कि ए गलत है आर सही है, तो इसके लिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और उसके बाद है प्रश्न 10, प्रश्न 10 है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, सही है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, सही है, और ये इसका कारण भी बता रहा है, इसको यह डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका भी आंसर ए सही होगा। यहाँ बी दिया हुआ है, आप इसको ए कर लीजिए और ये आंसर इसका सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके 10 प्रश्नों के उत्तर कर लिए और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।